हेलो दोस्तों, तो आज मैंने बनाई है पीले चने की दाल। तो एक बार चने की दाल को इस तरीके से बना के देखो, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो दाल को अच्छे से 2 से 3 बार मैंने वॉश करके ले लिया है। साथ ही मैं इसमें पीले मूंग की दाल भी डाल रही हूँ। तो इसे हम प्रेशर कुकर में अच्छे से डाल देंगे और पानी हमने इसमें डाल देना है। साथ ही साथ 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और 2 से 3 सीटी आने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इधर मैंने ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून दही, साथ ही 1 चम्मच बेसन, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इसके साथ इसमें 1 चम्मच जाएगा नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक घोल बना के रेडी कर लेना है। तो इधर पैन गरम हो गया है तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। साथ ही इसमें जाएगा जीरा और 4 से 5 कलियाँ लहसुन के और 2 हरी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। तो जैसे ही लहसुन ब्राउन सा होने लगे तो हमने इसमें डाल देना है प्याज। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने। प्याज का कलर भी हल्का चेंज हो चुका है तो आप इसमें डाल देंगे जो घोल बना के हमने रेडी किया था। तो ये दाल मैंने कुकर से निकाल ली है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के दाल रेडी है। तो जैसे ही हमारे मसाले भी अच्छे से भुन जाए हमने जो है इसमें दाल ऐड कर देनी है। ये देखिए, तो इसे अच्छे से चलाते हुए हमने सब मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने तड़का लगाना है। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है और इसके साथ ही जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और साथ ही कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस इसका तड़का लगा दिया है हमने। ये देखिए दाल का कलर कितना अच्छा आ गया है। बस दाल बनके हमारी बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम कर देंगे यहाँ पे ऑफ और गार्निश के लिए डालेंगे हरा धनिया। ये देखिए, तो बस कर ले इसे गर्मा गर्म सर्व। तो राइस के साथ ये दाल बहुत ही यम्मी लगती है।